रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बहुत कम बजट में बनी फिल्म ने एनिमल को मात दे दी है। रणबीर की फिल्म को जिसने पछाड़ा है वो है लापता लेडीज, जो किरण राव की डायरेक्शन में बनी है। दोनों फिल्मों के डायरेक्टर में पहले कई बार बहस हो चुकी है। संदीप रेड्डी वांगा और किरण राव के अनबन के बीच इनकी फिल्मों में भी जबरदस्त टक्कर हुआ है। दरअसल किरण राव की फिल्म लापता लेडीज लोगों को काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म के एक्टर्स की खूब तारीफ की जा रही है, जिसने यह साबित कर दिया है कि संदीप वांगा से चल रही सोशल मीडिया कोल्ड वॉर के बीच लापता लेडीज ने एनिमल को पटखनी दे डाली है। सिर्फ 20 करोड़ में तैयार हुई इस फिल्म ने 900 करोड़ी फिल्म को टक्कर दिया है। लापता लेडीज ने रिलीज होने के 2 महीने से भी कम समय में व्यूअरशिप के मामले में रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना स्टारर ब्लॉकबस्टर एनिमल को पीछे छोड़ा है। लापता लेडीज इसी साल मार्च में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जबकि एनिमल को 26 जनवरी 2024 को उसी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर अपनी OTT रिलीज मिली। अपने रिलीज के 2 महीने से भी कम समय में लापता लेडीज ने 13.8 मिलियन व्यूज के साथ नेटफ्लिक्स पर एनिमल को पीछे छोड़ दिया है। 1 मार्च को रिलीज हुई लापता लेडीज का निर्माण आमिर खान और ज्योति देशपांडे ने किया है। वही फिल्म का डायरेक्शन का कमान किरण राव के हाथों में था। बता दें कि ये फिल्म विप्लव गोस्वामी के अवार्ड विनिंग नॉवेल पर बेस्ड है। किरण राव के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रवि किशन, स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांटा, नितांशी गोयल लीड रोल में है। लापता लेडीज ऐसी 2 दुल्हनों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी विदाई के बाद ट्रेन यात्रा के दौरान अदला बदली हो जाती है। उतार चढ़ाव से भरी फिल्म की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पति ट्रेन में घूंघट में बैठी पत्नी की जगह किसी और का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैसे उसे पता चलता है कि वो किसी और को अपने घर में ले आया है, वहीं से वो अपने असली दुल्हन की तलाश शुरू करता है। तो वहीं एनिमल की बात करें तो फिल्म एनिमल के लीड रोल में रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल हैं। कहानी के मुताबिक रणविजय सिंह बलबीर यानी कि रणबीर कपूर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन बलबीर सिंह यानी कि अनिल कपूर का बेटा है। स्कूल के दिनों में रणविजय ने कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी बड़ी बहन की रैगिंग करने वालों पर बंदूक चला दी थी। इसके सजा उसके पापा ने उसे अपने से दूर बोर्डिंग स्कूल भेज कर दी। पापा को उम्मीद थी कि बेटा बदल गया होगा, लेकिन पापा के 60वें जन्मदिन के जश्न में लौटे रणविजय को अपने जीजा से कुछ विवाद हो जाता है कि वो एक बार फिर से पापा से दूर चला जाता है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके पापा पर किसी ने गोली चला दी है, तो सब कुछ छोड़कर वापस घर लौट आता है और पापा के दुश्मनों को मिटाने के मिशन पर निकल पड़ता है। और इसी मिशन के आस पास पूरी कहानी घूमती है। कुल मिलाकर फिल्म एक वायलेंट फिल्म है। एनिमल और लापता लेडीज एक दूसरे से काफी अलग फिल्में हैं। इस वक्त लापता लेडीज ने एनिमल को पछाड़ दिया है। दोनों फिल्मों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN बॉलीवुड, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। शुक्रिया।